शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरे नबी के नाम पर घर के घर कुर्बान। आज मैं जिस पार्टी में आया हूँ और जिस पार्टी में काम कर रहा हूँ, मेरे समाज के भलाई के लिए, गोर गरीब मुस्लिम अल्पसंख्यक की भलाइयों के लिए, सुरेश बिरादरी के ओबीसी के मुद्दे के लिए, ये सारी चीज मैं करते वक्त मैं आज मस्जिद में जब जाने लगा तो मस्जिद में लोग मेरे तरफ अलग तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीलेश नारे तो नहीं आ रहा है। इस तरीके की लोगों की सोच बदल गई, लोग मेरे तरफ अलग तरीके से देखने चले कि हम कैसा इस माहौल में रहे, भूषण के माहौल में। मैंने भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्यकर्ता हूँ, मैं महाराष्ट्र के अंदर मेरे हजारों हिंदू दोस्त है, मैं हिंदू कल्चर को जानता हूँ, मराठी कल्चर को जानता हूँ, मैं देव आनंदी का हूँ, पुणे का रहने वाला हूँ, मैं गणपति में जाता हूँ तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं मैं मुसलमान हूँ, गणपति में क्यों जा रहा हूँ, मैं सत्यनारायण की पूजा में जाता हूँ तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं मुसलमान हूँ जा रहा हूँ। पहले तो रमेश भिदुरी जी ने लोकसभा में पूरे देश के सामने कुछ बातें कही थी जो आमतौर पर एक लोक प्रतिनिधि को नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने कुछ बातें कही थी कि गोली मारो सालों का, आपको तो याद है वो स्लोगन उनका। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ बातें कही थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको बहुत दुख हुआ और आपने हिटबैक कर दिया, नीतीश राणा के ऊपर हमला बोल दिया? देखिए कैसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का लीडर तो हूँ, एक मुस्लिम समाज को नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल हजारों पीरों का अध्यक्ष हूँ, खाटिक समाज का यानी कुरेशी बिरादरी का 30 लाख कुरेशी बिरादरी का अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर जुड़ा है। कुछ दिनों से जो नीतीश राणे कुछ महीनों से जो ये बातें कर रहे थे, इसके बारे में मैंने नागपुर की मीटिंग के अंदर भी बावन कुले जी के पास सभी पदाधिकारियों के सामने मैंने बात रखी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुस्लिम समाज जुड़ना चाहिए। सबसे बड़ा अगर जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो 3 तलाक का जो मुद्दा जो लिया, जिसकी वजह से पूरे देश भर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हमें मुस्लिम समाज मुस्लिम बच्चियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ, जिसके लिए हमने मुंबई शहर के अंदर मैंने और आशीष शेलार जी ने मिलकर 7.5 लाख कार्ड भरे और सब बुरखे वाली महिलाओं ने धन्यवाद मोदी जी का एक अभियान चलाया, उसमें 7.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, ये सारी चीज हो रही थी। अच्छे काम को सलाम है। जब मुझे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, देवेंद्र जी, विनोद तावड़े जी के साथ मैं जब काम कर रहा था, मस्जिदों के, मदरसों के, दरगाहों के, उर्दू भवन के, कई ऐसे मैंने काम किए जिसके वजह से काफी मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ गया। मेरे घर में रमजान के अंदर मेरे दोस्त आते रोजा खोलने के लिए, बकरीद के अंदर लोग मेरे पास ईद का शुरकुरमा पीने के लिए आते। ये मेरे महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है, मेरे महाराष्ट्र में ये संतों की भूमि है, मैं देव आनंदी का रहने वाला हूँ। और ये सारी जो चीजें इतनी बढ़ के आ गई है, वो किसी एक व्यक्ति को अगर कहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप वीडियो देखेंगे, एक महिला जा रही है बुरखे वाली और उस महिला को गंदे तरीके से वो रैली में से हाथ करके गंदे की तरीके से दिखा रहे, ये कौन सा हिंदुत्व है? वो फिर मस्जिद आती है तो मस्जिद की तरफ ऐसा बंदूक की इशारा करते, उड़ा देंगे, ठोक करके करते, फिर कहते मैं मराठी मदीना है, हिंदी मदी सांगतो, इन कोई बात करेंगे तो किसको बोल रहे, पूरे समाज को गाली दे रहे, फिर मस्जिदों में घुस के मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? तो मैं भी मुसलमान हूं, मुझे भी लगता है कि यार मेरी मस्जिदों में घुस के मारने की बात कर रहे। आज आप, मैंने कहा कि नीतीश राणे को श्री राम का हिंदुत्व पढ़ाइए, का हिंदुत्व पढ़ाइए, नीतीश राणे को माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व पढ़ाइए। हमने भारतीय विद्यार्थी सेना में माननीय बाला साहब जी के भाषण हमने भी सुने, कभी भी उन्होंने डायरेक्टली महाराष्ट्र के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में बात की होगी, बांग्लादेशी के बारे में बात की होगी, हमने राज ठाकरे जी के भाषण सुने, कभी भी उन्होंने अगर बोला है तो तारीफ भी की। उन्होंने आपको 96 के अंदर आपको बताऊंगा, शाबिर शेख जो मेरे चाचा जब 96 में मंत्री थे तो मुंबई में ऐसा यही सेम तरीके का आंदोलन हुआ था, उस वक्त पे बाला साहब ने रस्ते पे जो नमाज पढ़ रहे थे उसको बंद कराया, लेकिन जब शाबिर भाई के पास सभी मुसलमान लोग गए, हम सब गए, मैं छोटा था और उस टाइम पे मैं भी साथ में मातोश्री पे जब गया था तो उस टाइम पे जाके हमने समझाया, बताया कि क्यों हमको जुमा के दिन रस्ते पे नमाज पढ़ना पड़ती है। जब उनको समझा कि आज लोग 5 मिनट के लिए जब आते हैं और जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, रस्ते पे एक ही 5 मिनट के वक्त होता है और पब्लिक भीड़ होती है, तो उन्होंने मनोहर जोशी साहब को फोन किया और ताबड़तोड़ 3 का FSI दिया, डाटा भी और प्यार भी किया, लीडर उसको कहते हैं, ये तो हमको गालियां दे रहे हैं, अब गालियां दे रहे हैं। मैं उस पार्टी के अंदर हूं, मैं भी देवेंद्र जी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी उनका कट्टर समर्थक हूं, ये बार बार कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा देवेंद्र जी वहां बैठे हुए, तो देवेंद्र जी तुमको चाहते उतना हाजी अराफात को भी चाहते, मुझे पार्टी में लाने वाले ही हुई है, तो मैं मेरे नेता को नहीं कहूं, और आज मैं मेरे समाज में, अगर मैं मेरे समाज के बारे में बात करूं तो क्या इसमें बुरा है? ठीक है, ठीक है, हाजी भाई, हाजी भाई, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो लोग मस्जिदों में घुस, हमने जब उनको पूछा कि आप ऐसे समाज को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, पूरे समाज का तो कोई दोष नहीं है, हमने उनको पूछा तो वो बोले कि मैं पूरे समाज को नहीं, जो लोग उस तरीके की सोच रखते हैं, जो गलत सोच रखते हैं, जो गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं।
उसके लिए तो मैं भी खड़ा हूँ। जो लोग गलत सोच के लोग हैं, जो गलत बर्ताव रखते हैं, मेरे देश के प्रति बुरा बोलते हैं, देश से जो प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए हम भी खिलाफ है ना। हम कौन से उनके फेवर में है? हम स्थानीय भूमिपुत्र है, बाहर के लोग तो नहीं है, हम कहीं बाहर से तो आए हुए लोग नहीं है। तुमने किस तरीके से फिर मस्जिद को ऐसा क्यों किया? मस्जिद तो हमारी है, मस्जिद ने तुम्हारा क्या किया था? तो मस्जिद की तरफ तुमने उंगली क्यों दिखाई? एक महिला जा रही है, एक लड़की बहन योजना जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा है, वहां बुरखे वाली महिला जा रही है, और उस बुरखे वाली महिला की तरफ गंदे तरीके से आप क्यों अधिकार है? और क्यों कहते कि इन मुसलमानों को इनको आरक्षण देना नहीं चाहिए, इनको 1500 रुपए का फॉर्म भरे इनको नहीं देना चाहिए, ये क्यों बोल रहे हो? क्या क्या आपकी भूमिका ये इस तरीके से क्यों कर रहे हो? मस्जिद दो में घुस घुस के मारेंगे, इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल तुम मस्जिद तो किसी एक की नहीं है ना, कोई उलमाओं ने, देखो अगर किसी राजकीय लीडर पुढ़ारी ने अगर कभी ये बात का अगर कोई एक्शन का रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन कोई उलमाओं ने तो कोई बात नहीं की, कोई पीरों ने तो कोई बात नहीं की, किसी मस्जिद से तो कोई आवाज नहीं आई, तो मस्जिद को क्यों टारगेट किया आपने? ठीक है, लेकिन वो तो बोलते हैं कि मैं हिंदुओं का मैं लोगों को दिल में लगा है। हाँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूँ, मुझे बीजेपी ने पार्टी ने ये काम दिया है, जो काम मुझे मेरे पार्टी ने दिया है, जो काम मुझे मेरे नेताओं ने दिया है, वही काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश राणे जी को पार्टी का समर्थन है, वो जो कर रहे हैं उसको पार्टी का समर्थन है, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी इस घटना को, इस बयान को, आपके रिएक्शन को पार्टी ने उन्हें ना कोई समझ दी है, ऐसा तो कोई मीडिया में नहीं आया, या फिर पार्टी ने उनको कुछ डांटा ऐसा तो मीडिया में नहीं आया। वो बोले कि पार्टी को पता है, मेरे नेताओं को पता है मैं सही कर रहा हूँ। तो मेरे भी नेता को पता है जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मेरे भी नेताओं ने मुझे कुछ नहीं कहा, तो मेरे भी नेताओं को पता है, उनके पिताजी का रिएक्शन आया ना, उनके पिताजी ने कहा कि पूरे हिंदू पूरे मुसलमानों को आप टारगेट मत करो, किसी धर्म को टारगेट मत, कहीं ना कहीं तो समझ गई होगी, तभी आवाज आई ना ये। अगर मैं कह रहा हूँ वो सच है, और ऐसा नहीं है किसी को अच्छा लगा ये चीजें, मेरे देश का, मेरे महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है किसी के धर्म के बारे में बुरा बोलना। आप मुझे बताइए कि आपने इतने सालों के अंदर कभी कोई भी मुस्लिम मौलाना ने श्री राम के बारे में, राम जी की शादी कब हुई थी, राम जी की, सीता जी की उम्र कब कितनी थी, ऐसा कभी कोई वक्तव्य नहीं किया, क्योंकि मेरे धर्म नहीं सिखाता। मेरे धर्म में सबसे पहला लिखा हुआ है कि तुम दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट करो, तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, फिर दूसरी बार लिखा है कि तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, हो सकता हो तुम्हारे पैगंबरों में से हो, अगर वो हमारे पैगंबरों में से हो गया हम उनकी बुराई कैसे कर सकते, ये मेरा इस्लाम धर्म सिखाता है। एक सिंगल आदमी अगर बता दो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुओं के खुदाओं को बुरा बोल देवे, ऐसा कभी नहीं होता, और जो ऐसा आदमी करता है उसको तो रस्ते पे उतार के मारना चाहिए, वो कोई भी हो, किसी के धर्म के बारे में कोई बोलने की किसी को अधिकार नहीं है। तो हमारे मस्जिदों के बारे में बोलने का इनको वो नहीं है, इसलिए मैंने कहा कभी आते फजर में आते, जोहर में आते, असर में आते, मगरिब की नमाज में आते, ईशा की नमाज में कब आते? तुम्हारे कितने पिछवाड़े में दमे आइए, हाजी अराफा से कुर्ला में खड़ा मिलेगा, आइए हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। वो तो बोलते हैं ना कि मैं मुझे भी बोलते हैं वो गब्बर है, वो आ सकते हैं, गब्बर नहीं है वो गोबर है, मैंने कहा कि गोबर है, और अगर गोबर बनना भी है तो मैं बोला गाय का बन जाओ भाई, कम से कम लिपने के तो काम में आ जाए, आंगन में लिपने के, गाय का गू क्यों नहीं बन रहे हो, कुत्ते का गू बन रहे हो तुम, ये सब ऐसी चीजें नहीं होती है। और कल से देखा तो कुछ समर्थक उनके फोन वोन कर रहे, मेरे पीए के पास फोन आया, कल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले कुछ 6 महीना पहले उनको पैरालिसिस का अटैक आया, और मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था, और उनके समर्थक फोन कर रहे, अरे भाई साहब मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं पूना का घाटी हूँ, रहने वाला हूँ, डरने भरने वाला नहीं हूँ, अगर तुम राणे हैं तो हम शाणे हैं, हम कोई बेवकूफ लोग नहीं है इधर पे कि तुम्हारे अंटर फंटर धमकी देंगे तो डरने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं पूरे महाराष्ट्र का, माननीय देवेंद्र जी अभी आने के बाद, गणपति होने के बाद देवेंद्र जी से बात करके पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा, तुम रोक नहीं सकोगे, तुम बोलते कुर्ला के बाहर आके दिखाओ, मैं कुर्ला के बाहर नहीं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाला हूँ, और रोक के दिखाओ। तो आप क्या समझते हो, गोली मार देंगे, उड़ा देंगे, तुम गुंडे हो? हाँ, कल मैं हॉस्पिटल में था, मेरे पीए ने, शिवाजी ने फोन उठाया, और उसके बाद उसको धमकी में गोली मारेंगे, ये कौन से तरीका है गोली मार देंगे? तुम अगर तुम हमारे मस्जिदों के बारे में बोलेंगे, मैंने बोलना नहीं चाहिए, अब पार्टी ने बोलना चाहिए ना। अगर मैं, अगर हजारों अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मुस्लिम समाज के पदाधिकारी जुड़े हुए, अगर कोई मुस्लिम समाज का पदाधिकारी बोलेगा तो ये गोली मार देंगे, उड़ा देंगे, ठोक देंगे, और वैसे उड़ाने उड़ाने से कोई डरने भरने वाले लोग नहीं है, जो डरने वाला उनको डराओ, हाजी अराफा से को मत डराओ। जीवन भर आंदोलन करते करते संघर्ष करते आया हूं जी, तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, ऐसी धमकी आ रही है आपको? बिल्कुल, हमारे पीए ने जब आया, आने के बाद जैसे मैंने सुना तो कुर्ला पुलिस में तकरार भी हुई, एफआईआर भी उनके ऊपर की गई है, उनको पुलिस ढूंढ रही है, मेरे को मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा है, जैसे वो कहता है कि देवेंद्र जी उसके खास है, तो मेरे देवेंद्र जी, मैं भी उनका कार्यकर्ता हूँ, होम मिनिस्टर हमारा है, तो मैं भी होम मिनिस्टर के पास बात रखूंगा, मैंने चिट्ठी 2 दिन पहले लिखी थी, अब ये चिट्ठी भी लिखूंगा कि इस तरीके की दादागिरी चल रही है, इस तरीके की अगर हमारी आवाज करे तो हमको गोली मारने की बात करते, जान से मारने की बात करते, कुर्ला से निकल के बाहर निकलने की बात करते। मैं फिर कहता हूँ, कुर्ला छोड़ दो, तुम महाराष्ट्र की किसी भी मस्जिद में जाके दिखाओ, हाजी खड़ा मिलेगा।
लेकिन लेकिन हाजी साहब ऐसा है कि उन्होंने जो कहा कि वो बोले कि अगर रामगिरी महाराज के कहता हूं। नहीं नहीं हाजी भाई, मामला कहां से शुरू हुआ? वो रामगिरी महाराज के बाजू से शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर तुम कुछ करोगे तो फिर हम लोग इस तरीके से बर्ताव करेंगे। तो जिस तरीके से एफआईआर होने के बाद, रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर होने के बावजूद भी मोर्चे प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, उनको एक तरीके से कॉर्नर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके ऊपर नीतीश राणे नाराज हो गए। देखिए बताइए, कोई भी संत होता है, कोई भी धर्म गुरु होता है, आप समझिए ना कि किसी भी संत को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी संत को दूसरे धर्म के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है अगर तुमको उसके बारे में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। और जिस तरीके से एक संत होता है मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, संत होता है जब जब देश पे आफतें आई इस देश को पीरों ने और संतों ने संभाला। ये संतों का देश है, गरीब नवाज का देश है, और इस देश के अंदर जब हम जब रहते हैं तो मोहब्बत से रहते हैं। और कभी भी हमने ये नहीं किया कि किसी भी संतों ने देखना, कभी हमारे पीरों ने कभी तो किसी के पास कोई गलत बात की होगी, तभी तो हजारों लोग तुम देखो मुसलमान से ज्यादा आज अजमेर शरीफ में हिंदू नजर आते, हाजी अली में हिंदू नजर आते, माहिम दरगाह पे हिंदू नजर आते। तो कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा किया होगा तभी जाते ना, नहीं तो कौन क्यों जाए? किसी अलग धर्म का व्यक्ति किसी की मजार पे क्यों जाए? कहीं ना कहीं कोई अच्छा पैगाम पहुंचाने के बाद मोहब्बत का पैगाम मोहब्बत से तुम जोड़ो ना। मैं सभी को कहूंगा, और अगर कभी तुमको उनका बुरा लगा है तो बहुत सारे उलमाओं को, बहुत सारे मुसलमानों को भी बुरा लगा है कि पैगंबर के शान के अंदर कोई गुस्ताखी करेगा तो पैगंबर के बारे में तो कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। हम तो फिर कहते हैं पैगंबर के लिए जान के जान, घर के घर कुर्बान, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ है ही नहीं। जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना सिखाया, जो हम कह रहे हैं और जो कहते कहते जीवन करके निकल जाएंगे दुनिया से, और उनके बारे में अगर कोई गलत कहेगा तो कैसा कोई बर्दाश्त करेगा? अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है, और जो लोग फिर भी उंगली कर रहे, मस्ती कर रहे, तो उनके बारे में तो वो बस सरकार है, मजबूत तो, सरकार है। तो हाजी भाई, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तीन तीन उप मुख्यमंत्री है। हाजी भाई, ये तो मामला वहीं पे फंसा हुआ है ना, कि लोगों को लग रहा है कि भाई देखिए बीजेपी के दोनों नेता है, एक नेता हिंदुत्व की बात कर रहा है, वो मुसलमानों के लिए कुछ गलत बातें बोल रहा है, तो दूसरा नेता जो है वो उसके खिलाफ, वो भी बीजेपी का है, वो मुसलमानों के लिए बोल रहा है। दूसरी तरफ गृहमंत्री बैठे हुए, वो कुछ नहीं कर रहे, वो दोनों को कुछ नहीं बोल रहे, दोनों को कुछ नहीं बता रहे। ये तो ऐसा है कि अगर इस तरीके का माहौल रहा, एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर तो इस तरीके से कैसे चलेगा? अगर आपके गृहमंत्री है तो दोनों नेताओं को समझाना चाहिए, दोनों नेताओं को साथ में बिठाना चाहिए। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह बीजेपी के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। नहीं बिल्कुल, देखो ये मेरे आस्था का विषय, ये बीजेपी का विषय नहीं है। मैं बहुत टाइम से सुन रहा था, मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात रखी, पार्टी मीटिंग में बात रखी, पार्टी के नागपुर के मीटिंग में बात करी, हर टाइम मैंने बोला देखो एक बात करने का तरीका है अपना, एक उनकी अपनी शैली है, अगर उनको हिंदू लीडर बनना है तो बनने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमको गाली दो। गाली सुन के तो कोई यहाँ सह नहीं सकता, गाली सुन के इस पार्टी में रह नहीं सकता, गाली सुन के मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहे, मस्जिद के बारे में बोल रहे। मैंने नहीं देखा आज तक के कोई भी हिंदू लीडर किसी मुस्लिम महिला को गंदे तरीके से हाथ दिखाए। मैंने कभी नहीं देखा कोई भी हिंदू लीडर मस्जिद की तरफ इस तरीके से गोली मारता हुआ दिखाया। मैंने ऐसा महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश भर में नहीं देखा कोई भी हिंदू लीडर, घुस घुस के मारूंगा, कोई भी लीडर गाने के बस यूज नहीं कर सकता है। अब हमको तुम बोल रहे हो? लेकिन हाजी भाई, ऐसा है कि मुझे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। हाजी भाई देखिए, आप नीतीश राणे बोल गए तो गुस्सा हो गए, लेकिन माधवी लता जो हैदराबाद से लड़ रही थी, उन्होंने तो वो तीर कमान चलाया था मस्जिद के सामने से जाते हुए मीनार के ऊपर, तो उस वक्त भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। अनुराग ठाकुर ने बोल दिया था कि गोली मारो सालों को, आपने वो सुना होगा। प्रधानमंत्री ने खुद बोला था रैलीज में कि भाई ये आपका क्या मंगलसूत्र चुरा जाएंगे, ये आपकी जमीन ले लेंगे। तो इस तरीके की बातें तो बीजेपी के सारे नेता कहते आए, आपको आज गुस्सा है, आज नीतीश राणे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपने वो बातें सुनी नहीं है, या फिर आपने उन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन बातों पर जो पहले हुई है। नहीं बिल्कुल, मैंने देखो दुनिया में हर बुराई के पीछे एक अच्छाई होती है, आप समझना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो अच्छे काम किए, जब सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहला हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुसलमान बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ये अच्छी बात हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने मदरसा फंड 2.5 लाख रुपए का शुरू किया पूरे इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मदरसों के लिए, कि बच्चे पढ़ना चाहिए, ये हमको अच्छा लगा। 3 तलाक का जब मुद्दा आया, कई लाखों तलाक हो रहे थे, हमारी बच्चियों की जिंदगी खराब हो रही थी, इसलिए भारत की बेटी और भारत की मां ने कहा धन्यवाद मोदी जी, उन्होंने अच्छा काम किया, हमने उसको अप्रिशिएट किया। आज अगर आप देखें भारत के प्राइम मिनिस्टर दौरे के ऊपर है, वो मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं, मस्जिदों में भेंट मिल रहे जा रहे हैं, ये अच्छा लगा। सऊदी अरब में उन्होंने कुरान का सबसे पहला वर्ड यूज किया, इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो, यानी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कुरान पढ़ना और समझना की कोशिश की, और कुरान का पहली आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई, ये हमको अच्छा लगा। मस्जिद के अंदर जब बोरी समाज का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था मुंबई शहर के अंदर, और कलमा जब पढ़ रहे थे उसके अंदर वो खुद गुनगुना रहे थे, एक दिल को लगता है कि नहीं मेरा प्राइम मिनिस्टर है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, और देश के प्राइम मिनिस्टर की अगर जो स्टाइल है, अपनी भूमिका है, और मेरे प्राइम मिनिस्टर
ने सबको साथ लेके चल रहा है। जब जिस तरीके से मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ मोहब्बत जताने की बात की, तो 100% ये हमको भी लगा कि नहीं मेरा प्राइम मिनिस्टर जो अच्छी चीज करो, मैंने अच्छी चीज हमने वो देखी। अब कभी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके की चीज, आप अमित शाह जी को देखिए, जब रैली हो रही थी कश्मीर के अंदर अजान हो रही, अमित शाह जी रुक गए, पूरे देश ने देखा, यानी अजान की अदब की, वो अदब कर रहे हैं, देश का होम मिनिस्टर अदब कर रहा है और ये मस्जिद को गाली दे रहे, तब कहीं ना कहीं ये कोई भी चीज रस्सी इतनी खींचते, ये खींचते खींचते रस्सी टूट गई, तब ये सब एक्शन का रिएक्शन हुआ। नहीं तो मुझे कुछ जरूरत है, मैं भी इस पार्टी के अंदर हूँ, मैं इस पार्टी का घटक हूँ, इस पार्टी के अंदर जुड़ा हूँ, देवेंद्र जी से जुड़ा हूँ, आशीष शेलार जी से जुड़ा हूँ, मुंबई के अंदर कई मस्जिदों के मदरसों के काम किए, जो अद्भुत काम किए, जो कोई नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी ने की, मुझे भी समझता है नंबर की शान में गुस्ताखी नहीं सही जाएगी। नहीं लेकिन हाजी भाई, मैंने वही सवाल मैं आपको दूसरी तरीके से पूछता हूँ कि आपको क्या आपको लगता है कि भाजपा की दोहरी राजनीति है? प्रधानमंत्री एक तरफ इतने सारे काम कर रहे हैं लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तो एक तरीके से वो मुस्लिम समुदाय को आइसोलेट कर देते हैं, उनको एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं और वोटों के लिए उनका उपयोग करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की एक राजनीति की एक स्टाइल बन चुकी है? इसी स्टाइल की ही एक मैं मानूंगा कि ये उदाहरण के तौर पर नीतीश राणे कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन आ रहे हैं, विशालगढ़ में क्या हुआ आपने देखा, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप एक तरीके से एक गलत स्पॉट में फंस चुके हैं? आपको धर्म के बारे में बोलना है, अपनी पार्टी के बारे में बोलना है, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इस बारे में। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, धर्म के बारे में अगर गलत बात है, गलत बात को हम बिल्कुल बोलेंगे, कोई फंसने फिसने वाला आदमी नहीं है और कोई पीछे वाला आने वाला भी आदमी नहीं है। पार्टी ने कही भूमिका, आपको आज तक कभी कहा नहीं कि नीतीश राणे को पार्टी ने कहा या किसी पार्टी के लीडर ने, देवेंद्र जी ने आज तक ये सारी बातें रखी क्या? उनके मुंह से कभी मुसलमानों को गाली आपने कभी सुना क्या? बावन कोहली जी ने कभी मुसलमानों को गाली दी क्या? या कोई बीजेपी के लीडर ने, बीजेपी के लीडर काम कर रहा हूँ हाजी भाई, विशाखगढ़ में जब हुआ तो उसको हरा अतिक्रमण बोला गया, आपने सुना कि नहीं सुना? बीजेपी के लीडर ही बोल रहे थे। देखिए एक बात बताता हूँ, विशालगढ़ में जो हुआ, मैं आप बताता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में मुसलमान समाज नहीं था क्या? और हम लोग क्या बाहर से आए हुए लोग है क्या? हम यहाँ के स्थानिक लोग है ना, हम भूमिपुत्र है ना, आप हमको भगा दोगे क्या? हमको नकारोगे क्या? शिवाजी महाराज के साथ जब काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके वंशज है, उनको आप नकारोगे क्या, भगाओगे क्या? जिसको शिवाजी महाराज ने अपनाया आप क्यों नहीं हमको अपनाना चाह रहे? आप क्यों नहीं अपनाना चाह रहे? शाबिर भाई भगवत गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे, तो शाबिर शेख को आप अपनाओगे नहीं क्या? मेरा सवाल है, ये सारी जो चीजें आप क्या चाहते हो? कभी एक बार बोलते तुम चले जाओ पाकिस्तान, हम क्यों जाए पाकिस्तान भाई? ये नीतीश राणे कह रहे हैं, उनका दोस्त हाजी अराफात उनको नहीं दिख रहा है क्या? जब हम पार्टी मीटिंग में बैठते दोनों साथ में बैठते हैं ना, तो उनको ये नहीं महसूस होता कि एक मुसलमान मेरा दोस्त है, मेरे बाजू में बैठा है, मैं उसको भी खराब लग सकता है, वो क्यों जाए पाकिस्तान? तो क्या ये सारे सवाल आपने आशीष शेलार जी से या फिर देवेंद्र फडणवीस जी से पूछे हैं क्या? बिल्कुल पूछे, बिल्कुल बताए, हर पार्टी मीटिंग के अंदर, मैं हर पार्टी मीटिंग में पांचवी बार ये हुआ ना, छठी बार ये रिएक्शन आया है, आज चार महीने से ये मेरी बात चल रही है, एक दिन की बात ये है, और ऐसा नहीं है, जबानी भी बोला हूं, पार्टी मीटिंग में भी बोला हूं, सभी लोगों के सामने बोला हूं, चिट्ठी भी लिखा हूं कि साहब बोलो पर इतना मत बोलो कि पूरे समाज को गाली दो। आप पूरे समाज को गाली दे रहे हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर तुम कहते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आतंकवादी है, जो गलत दिशा में जाता है, जिसका इस देश से प्यार नहीं है, जो हिंदुत्व से चिढ़ता है, ऐसे लोगों के साथ आप बोलो, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे लोगों को हम भी पसंद नहीं करते। लेकिन हाजी भाई देखिए, हमको बोलेंगे, हम इस पार्टी में रह रहे और तुम हमको बोलेंगे तो निकले तो नहीं बैठे भाई। देखिए हाजी भाई, ऐसा है कि आपने पांच बार बोला, छठी बार ये बात हुई है, तो पांच बार बोला, चिट्ठी भी लिखी, फिर भी जवाब नहीं आ रहा है, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल, इसके बारे में मैं बिल्कुल जरूर, अभी देवेंद्र जी नागपुर में है, गणपति के बाद मैं जरूर जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और सामने सामने चिट्ठी देके उनसे भी सारी चीजों के मैं उनके सामने मैं रखने वाला हूँ। मुझे मेरे नेताओं के सामने मेरी बात रखने का मुझे पूरा पूरा हक है और मुझे यकीन है कि मेरे नेता देवेंद्र जी जरूर इस बात के ऊपर ध्यान देंगे और इसके ऊपर हमको मुस्लिम समाज को, हाजी अराफात शेख को इंसाफ मिलेगा। लेकिन हाजी भाई, जब ये सब हुआ तो आपने भी जो भाषा आपने इस्तेमाल की नीतीश राणे के बारे में, वो तो बहुत सारे वर्ड ऐसे थे उसमें कि वो टीवी पे ना दिखाया जाए, ऐसे वर्ड थे, इतना गुस्सा आया आपको कि आपको इस तरीके से एक्सप्रेस होना पड़ा? भाई साहब, पैगंबर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो मैं आपको फूर बोल रहा हूँ, गुस्सा तो छोड़ दो, हमारी जान कुर्बान, हमारा घर के घर कुर्बान, उससे ज्यादा आपको क्या बताओ, जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया है, जिसको हम मानते हैं, तुम पैगंबर की गुस्ताखी करेंगे
तो कैसा चलेगा? अगर आपको आपके धर्म के कोई गणेश भगवान के बारे में कोई आपको गलत बात करेगा तो आप कैसा बर्दाश्त करेंगे? शंकर भगवान के बारे में आपको करेगा तो आप कैसा बर्दाश्त करेंगे? श्री राम के बारे में आपको कहेगा तो आप कैसा बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए ना, किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही, भगवान की बात चल रही है, पैगंबर की बात चल रही है। आपको समझना पड़ेगा साहब, ये हमारी तकलीफ को समझो। और मैं इस पार्टी के अंदर हूं और इस पार्टी में रहकर मैं मेरे समाज को, मेरे कौम के सामने मैं क्या बात करूं? कौम भी पूछती है ना, आप जिस पार्टी में रोज गालियां खा रहे हो आप बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बोला आपके कौम ने? ये सब सुन के क्या बोला आपके पास? क्या लक्ष्य नहीं है? एक्शन के नमाज पढ़ने जा रहा हूं तो लोग देख रहे पीछे पलट के, नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है, आंदोलन तो करने नहीं आ रहा है, उनका उनका चेहरा वो बोलता है, उनका चेहरा बोलता है, हम जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो जवाब दे पाया, ऐसे अल्पसंख्यक मोर्चे में बीजेपी के अंदर कितने हिंदुस्तान भर के अंदर जो पदाधिकारी जो बोल नहीं पा रहे बेचारे, वो रोते हैं मेरे पास में कि साहब कुछ करो, सब कुछ बोलो, ये सारी चीजें है। तो मेरा दुख बोलना जरूरी था, अब पत्र के जरिए गया, बोलने के जरिए गया, और एक्शन को रिएक्शन, जब तुमने मीडिया में रिएक्शन दिया तो उसका रिएक्शन मीडिया से आ गया। और एक चीज नीतीश राणे हमारे यहाँ पे चावड़ी पे, अगर इस तरीके की बार बार बात हुई, पूरी कीजिए बात पूरी कीजिए, मैं इनको कहा कि अगर ऐसी तरीके की बात होगी तो हाजी अराफा शेख बोलता रहेगा, डरने वाला नहीं है, किसी धमकी से डरने वाला नहीं है, किसी दादागिरी से डरने वाला नहीं, कोई बंदूक की गोली मारने से डरने वाला नहीं है, कोई आके जान से मारने की बात कर डरने वाला आदमी नहीं है। तुमको जो करना है करो, मैं हमारा होम मिनिस्टर है, मैं देवेंद्र जी का कार्यकर्ता हूं, मैं सारी बातें देवेंद्र जी को कहूंगा और सारी बातें रखूंगा। तुम अगर ये तरीके से डराने की कार्यकर्ताओं को और उल्टे सुल्टे फोन करके पीए को गाली गलौज देके धमकाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। कुरला के बाहर निकल, पूरा महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए हाजी अराफा शेख निकलने वाला हूं, तुमको जो करना है कर लो, और अगर तुम गलत बात करेंगे, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो इसी तरीके से रिएक्शन आता रहेगा। हाजी भाई, और एक चीज, हमने जब उनसे मुलाकात की, यहां पे बातचीत हुई उनके साथ, तो उन्होंने बोला, वो ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो बोले कि देखिए आप देखिए क्या चल रहा है देश में, वो बोल रहे कि सर तन से जुदा, इस तरीके की घोषणाएं दी जा रही है, हरा गुलाल उदा, एक तरीके से जब जब एमवीए के उम्मीदवार चुने गए लोकसभा में तो हरा गुलाल उधेरा गया, वहां पर झंडे दिखाई दिए गए, हरे झंडे दिखाई दिए गए, सर तन से जुदा की घोषणाएं दी गई, लैंड जिहाद चल रहा है यहां पर, लव जिहाद चल रहा है यहां पर, तो ये सब सारी चीजें जो है वक्फ बोर्ड के यहां पर क्या चल रहा है वो बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजों के खिलाफ हम लोग खड़े वो बोल रहे हैं, और ये मुसलमान समाज जो है वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली बीजेपी को टारगेट कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। देखो मेरे को, मुझे वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है उसके लिए सरकार मजबूत है, लव जिहाद चल रहा है, हर बच्चे ने, हर माँ बाप ने अपने अपने बच्चों को संभालना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। कभी कोई हमने सुनता कि मुसलमान की बच्ची हिंदू के साथ चली गई, या हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ चली गई, या अपने पेरेंट्स को उनको तरबियत देना चाहिए, ये सारी चीज चल रही है। कॉलेजेस में जाने के बाद मोहब्बत होती, प्यार होती, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सर तन से जुदा की जो बातें करते हैं वो दिल्ली में कभी हमने सुना था? अब वो कौन कह रहा था? वो मुसलमान कह रहा था, हिंदू कह रहा था, सिख कह रहा था, ईसाई कह रहा था, या कोई और कह रहा था, या कोई आतंकवादी कह रहा था? महाराष्ट्र में किसने कहा बताओ, और इस वक्त पे किसने कहा बताओ? कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। आप बताओ, यह हाजी अराफा शेख उसकी धुलाई करेगा रास्ते पे, चप्पल मार के धुलाई करेगा? हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है? एक बार बताओ, क्यों जबरदस्ती झूठ बोल रहे हो? कभी कोई बात कहां से निकाल रहे हो? आप बोल रहे हो किसी भी कोई ना कोई रेफरेंस देके, कभी किधर हुआ होगा दिल्ली और यूपी में? और उसका उसका समर्थन हाजी अराफात कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। इस्लाम धर्म सिखाता नहीं, पैगंबर ने कभी सिखाया नहीं के तुम जाके करो, अगर आप हमको जूता मारोगे हम गुलाब का फूल देंगे। ये इस्लाम सिखाता है, मोहब्बतों से इस्लाम फैला है। हम बाबर को मानने वाले लोग नहीं है। बाबर इस देश में तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देश को लूटने आया था। हम बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। बाबर तलवार लाया था, गरीब नवाज कासा लाए थे। बाबर इस देश को लूटने आया था, गरीब नवाज इस देश को दुआ देने के लिए आए थे। फर्क है, समझना पड़ेगा। हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने वाले लोग हैं। ये देश में मोहब्बत चलती है और मोहब्बत से ही दोस्ती होती है। हजारों लाखों दोस्त ऐसे हिंदू नहीं है मेरे। मेरा जीवन हिंदुओं में गया। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ किसी हिंदू के साथ दोस्ती करते हुए, या उनको कभी मेरे घर पे आते हुए नहीं हुआ। हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं, साथ में रोजा खोलते हैं, साथ में गणेश उत्सव मनाते हैं, साथ में दिवाली मनाते हैं। आप दुबई में जाओ, सऊदी में जाओ, बहरीन में जाओ, मस्कत में जाओ, कई मराठी वहां पे काम कर रहे, कई हिंदू काम कर रहे, आप जाके देखो उनको। आज अबू धाबी में जाके देखो कितनी बड़ी भव्य मंदिर बन गई, जाके देखिए ऐसे हिंदू मुसलमान साथ में रहते। कभी वहां के मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी मंदिर बन गई। मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने वाला ये इस्लाम धर्म है। क्या हाजी भाई आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा में गलत चीजों को बर्दाश्त करेगा नहीं, और हाजी अराफात तो बर्दाश्त करेगा नहीं? नहीं नहीं हाजी भाई, वो तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बीजेपी को ये परहेज हो गया है कि जिस तरीके से लोकसभा में वोटिंग हुआ और एक ही समुदाय का वोटिंग एमवीए की तरफ चला गया, इसलिए बीजेपी थोड़ा खफा है
और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, आपको लग रहा है, क्योंकि फिर भी उसके बाद जो दिख रहा है, उसके बाद नीतीश राणे बोल रहे कि देखिए आपने वोटिंग किया वो आपका अधिकार था, लेकिन हरे झंडे क्यों फहरा रहे हो आप, हरा गुलाल क्यों वहां पर पूरा बिछा रहे हो, ये सारी चीजें जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को क्या सेफ नहीं लग रहा है, आप तो मुस्लिम समुदाय में रहते हैं, आप तो उनका नेतृत्व करते हैं, आप बीजेपी में भी है, आपकी कौम आपका आप पूरा कौम का आप जानते हैं, आपके साथ में लोग काम कर रहे हैं, क्या सेफ नहीं लग रहा है बीजेपी के साथ में लोगों को कौम के? देखिए कैसा है, बीजेपी की ये भूमिका ही नहीं है, पहली बात समझो। बीजेपी का देश बड़ा तो पार्टी बड़ी। दो दिन पहले प्रवीण दरेकर जी ने पार्टी ऑफिस में मीटिंग लगाई अल्पसंख्यक समाज की, मुसलमानों की, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्म भर रहे हैं मुख्यमंत्री योजना की भरवाओ, उनको किस तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए, उनका कैसा पुनर्विकास होना चाहिए, जो गोर गरीब जनता है उसको किस तरीके से ज्यादा फायदा होना चाहिए, ओबीसी के मुद्दे पर आज हमको 96 में ओबीसी का दर्जा दिया गया, वैलिडिटी आज तक नहीं मिली गई, उनको वैलिडिटी कैसे मिलनी चाहिए? अगर अगर उनके विरोधक होते, मैं आपसे कहता हूं, अगर वो विरोधक होते तो मुस्लिम समाज के लिए खासतौर पर स्पेशल मीटिंग नहीं होती। दो दिन पहले ही प्रवीण दरेकर ने मीटिंग ली और कहा कि पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का ज्यादा से ज्यादा पुनर्विकास होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, और सरकार ने उनके साथ में क्या करना चाहिए, संवाद कीजिए, पूरे महाराष्ट्र भर में जाइए, कुछ दिन बचे सरकार के अंदर, दो तीन महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के काम करना चाहते, तो ये भूमिका पार्टी की है। अभी आपको लग रहा है वो नीतीश राणे को कुछ अलग लग रही होगी भूमिका, मुझे ये बताया जा रहा है किस तरीके से काम को, तो मैं मेरे लाइन पे काम कर रहा हूं, मैं मेरे समाज में जा रहा हूं, पार्टी से लोगों को जोड़ रहा हूं, मेरे मस्जिदों के, मदरसों के, दरगाहों के क्या काम है वो लेके जा रहा हूं, आशीष शेलार जी के पास लेके जाता हूं, देवेंद्र जी के पास लेके जाता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास लेके जाता हूं, काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और अल्लाह का कर्म है, बहुत सारे काम हो रहे, बहुत सारे काम नहीं हो रहे। अब वक्फ बोर्ड का एक अलग मुद्दा है, उसके अंदर बहुत टेक्निकली पेचीदगी है, वक्फ यानी अल्लाह, अगर जो जमीन दे दी गई है, वक्फ कर दी गई है, तो वो अल्लाह की होती है, लेकिन उसमें कुछ सरकारी जमीन भी जो दी हुई है वो टेक्निकल जो पेच है वो बहुत लंबी बहस है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जानकार उसके ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके से कि कुछ जगह के कब्रिस्तान है जो सरकार ने दी, लेकिन वो 96 के बाद जो कायदा आया, वक्फ बोर्ड का केंद्र सरकार का कानून आया, चैरिटी से निकाल के वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया, ये हमारी गलती नहीं है, मुस्लिम समाज की गलती नहीं है, ये सरकार ने सोचना चाहिए था कि सरकारी जमीन जो दी हुई है तो ये वक्फ में कैसे जाना चाहिए, जब उन्होंने उस टाइम पे ये सब चीजें किया है, अब वो पेचीदा सवाल है, वो सरकारी अधिकारी है, बड़े बड़े उसके अंदर स्कॉलर्स है, जो बड़े बड़े वकील है, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज एक बार दे दी गई है, अब कब्रिस्तान दे दिया है, अब कैसा मांगोगे रिटर्न उसको, अब उसमें तो हजारों कब्रें दफन है, तो वो सब चीजें है, तो सरकार हम तो चाहते हैं ना जो चैरिटी में था चैरिटी में रखो, हमने कब कहा कि वक्फ बोर्ड में डाल दो उसको, अब कुछ जो जो जमीन है जो राजा महाराजाओं की, मुगलों की जमीन थी, उसके ऊपर बहुत सारी चीज चल रही है, कस्टोडियन कमिश्नर की, जो इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो यहां से जो लोग पाकिस्तान कूच कर गए थे उनकी जमीनें पड़ी है, ये टेक्निकल सरकार का मुद्दा है, उसके ऊपर सरकारी तरीके से बातचीत चल रही है, उसके अंदर जो भी मुझे नॉलेज है, जो मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, जो मैंने उसके ऊपर स्टडी की, मैं भी मेरी सरकार तक की वो सारी बातें रखूंगा, जो सरकारी तरफ से जो जो मदद चाहिए वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, तो ये सब पेचीदे मुद्दे है, इसके अंदर जरूर मैं मेरे कौम के और मेरी पार्टी के बीच में और मेरी सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम जरूर करूंगा इंशाल्लाह ताला, पर किसी भी धर्म के हमारे तरफ से भी, मुस्लिम समाज की तरफ से भी और हिंदू समाज की तरफ से भी, कोई भी व्यक्ति और कोई भी लीडर ने किसी भी देवी देवता को, किसी भी पैगंबर को गाली देना नहीं चाहिए, गलत बात करना नहीं चाहिए, हर एक को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, अपना करना चाहिए और अच्छे तरीके से रहना चाहिए, और ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, किसी भी महिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, कोई महिला जा रही है वो हमारी बहन है, ये देवेंद्र जी को भी पसंद नहीं आएगा, ये नरेंद्र मोदी जी को भी पसंद नहीं आएगा, ये अमित शाह जी को भी पसंद नहीं आएगा, और पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पसंद आएगा, और इवन आरएसएस को भी पसंद नहीं आएगा किसी महिला का कोई अपमान करे और मस्जिद की तरफ ऐसा दिखाए और घुस घुस के मारूंगा, ये कभी भी ये पार्टी की और संघ की भूमिका नहीं है और नहीं रहेगी, ये मेरा इतना कॉन्फिडेंस है। मेरा एक दो लास्ट के सवाल है हाजी भाई, मुझे ये जानना है कि क्या एक तरीके से ये सब बवाल होने के बाद आपसे किसी ने संपर्क किया है, मुंबई के नेताओं ने, महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने, यानी कि बारगुनकुले साहब ने, देवेंद्र जी ने, या फिर आशीष शेलार जी ने, या फिर किसी ने संपर्क किया आपसे बात करने के बाद, आपसे बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्योंकि क्या क्यों आपने ये सब बोला, क्या हुआ ये सब होने के बाद, ये सब बवाल होने के बाद? नहीं देखो कैसा है, मेरी माँ की तबीयत दो दिन से बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटल में था, कल सुबह से ही मैं हॉस्पिटल में था, और मेरे पीए के पास मेरा फोन था, और मैं उस जोन में था क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनको आईसीयू में रखा गया, तो मैं उसके अंदर था, तो मैं बिल्कुल उन्होंने मुझसे किसी ने मुझे संपर्क किया नहीं, पर मैं गणपति के बाद अभी अच्छा गणेश उत्सव शुरू होने वाला है, कल मैं भी मेरे सब दोस्तों के वहाँ जाऊंगा, मिलूंगा, जैसा हर साल की मेरी परंपरा हम जिस तरीके से जाते हैं, मैं मेरे गांव में जाऊंगा, पुणे में जाऊंगा, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, जहाँ जहाँ मैं पहले से जाता हूँ मैं जाऊंगा, और आने के बाद जरूर
साहब से मिलूंगा और साहब से बात रखूंगा, आशीष शेलार जी से मिलूंगा, मैं बात रखूंगा, भवन कोले जी के पास जाके बात रखूंगा, फिर एक बात रखूंगा और मैंने जो लिखा है वो पत्र उनके सामने रखूंगा। और मुझे यकीन है कि मेरे नेताओं को मेरी दिल की बात, मेरी जो दिल की कुड़न है, मेरी दिल की जो तकलीफ है, जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हजारों लाखों मुसलमानों की आवाज मैं लेके मेरी पार्टी में बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि 100% देवेंद्र जी इसको सुनेंगे और उसके ऊपर जो भी निर्णय देंगे, मेरे पार्टी का निर्णय जो होगा मेरे को मंजूर है। अगर मेरी पार्टी को लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी पार्टी के लोग उसके ऊपर मुझे क्लेरिफिकेशन देंगे, या अगर नीतीश राणे गलत है तो उसको समझाएंगे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि नीतीश राणे ने बोले, अपनी जन यात्रा निकाले, 1.5 मीटर के कपड़े पहने, अपने आप को बाला साहब ठाकरे समझे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपना जो कर सकता कर ले, पर किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी मस्जिद के बारे में और मेरे पैगंबर के बारे में गुस्ताखी ना करे, ये मेरी उससे रिक्वेस्ट आएगी। अगर पार्टी ने आपकी बात नहीं सुनी तो आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी मेरी बात सुनेगी। मेरी पार्टी 100% देश की पार्टी है, देश विदेश के अंदर ही पार्टी का एक अपना अस्तित्व है। पार्टी को पता है कि ये सबको जब साथ में लेके जब चलते हैं, हम जब शपथ लेते हैं तो शपथ लेने का सबको साथ में लेने का शपथ लेते हैं। नीतीश राणे अपना शपथ भूल गए होंगे कि अगर जब शपथ लेने का, उसके कानून कायदे भी उनको पढ़ना चाहिए। किसी भी जाति धर्म के लोगों का मन दुखना नहीं चाहिए, कोई ऐसी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए उनको। कम से नहीं हुआ तो मैं नीतीश राणे को वो शपथ विधि का चिट्ठी जरूर उनको भिजवाऊंगा कि वो शपथ भी ध्यान रखिए कि आपने सबका साथ लेके, उनके इलाके में भी मस्जिद है, उनके इलाके में भी कोंकणी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं उनके पिताजी नारायण राणे जी ने जिस तरीके से उनको कहा कि बाबा वो अभी इसके बाद पूरे समाज के बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन उनके मतदार संघ के अंदर भी कई मुसलमानों को तकलीफ हुई, दुख हुआ है, कम से कम वो भी देख ले। महाराष्ट्र नगर नहीं देख रहे होंगे तो कम से कम उन्होंने अपना मतदार संघ देखना चाहिए। एक सिंपल सी राय दूंगा, जब घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसको लगता है कि मैं ये भी आंख से देखता तो उसको लगता है कि मैं ये भी मेरा है, दूसरी आंख से देखता तो उसको लगता है ये भी मेरा है, लेकिन जब वो मंजिल पर नहीं पहुंचता, घोड़े को जब कवर पहनाते तो घोड़ा स्टेट मंजिल पे दौड़ता है। नीतीश राणे ने कवर पहनना चाहिए और स्टेट दौड़ना चाहिए तो अपनी मंजिल पे पहुंच सकते, इधर उधर देख के फायदा नहीं होगा, अरबी घोड़ा भी रहेगा तो हार जाएगा। चलिए ठीक है, कवर पहनना चाहिए और रेस जो जीतता है, जॉकी जीतता है, घोड़ा नहीं जीतता है, उसको बोला अच्छा जॉकी साथ में रखो और रेस में दौड़ो तो तुम्हारे लिए जीवन में फायदा होगा। अभी उम्र कम है, अनुभव कम है, अभी ज्यादा पचपच करके फायदा नहीं होने वाला है। इससे कोई भी महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का हिंदू उससे बहुत प्रभावित नहीं होगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं हिंदुओं का ओएसी बन जाऊं, ये ओएसी बनके इसका चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का हिंदू भी उतना समझदार है और मुसलमान भी समझदार है, दोनों भी अच्छी तरीके से समझदार है। ये हिंदू मुसलमान लफड़े झगड़े होने से कोई वोट बैंक के कोई कुछ होने वाला नहीं, विकास की राजनीति पे, डेवलपमेंट की राजनीति पर हाजी अराफा चेक जाएगा और मेरी पार्टी का प्रचार करेगा, काम करेगा, हर हर मतदार संघ के अंदर अपना प्रचार करके अपने आमदार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा।